राजौला के इमामगंज प्रखंड के कोठी थाना क्षेत्र के तेलवारी गांव निवासी स्वर्गीय अली शेख खान के सुपुत्र शेरे अफगान खान ने 68वीं बीपीएससी में 87वां रैंक हासिल किया, जिन्हें सहायक आपदा प्रबंधक पदाधिकारी बनाया गया। गया जिला के इमामगंज प्रखंड के कोठी थाना क्षेत्र के तेलवारी गांव निवासी स्वर्गीय अली शेर खान के सुपुत्र शेरे अफगान खान ने 68वीं बीपीएससी में 87वां रैंक हासिल किया, जिन्हें सहायक आपदा प्रबंधक पदाधिकारी बनाया गया। आपको बता दें, इनकी सफलता क्षेत्र के छात्रों के लिए एक चुनौती बनकर छात्रों को कॉम्पिटिशन के लिए प्रोत्साहित करती है। इमामगंज कोठी तेलवारी और सलैया के छात्रों में बीपीएससी और यूपीएससी सीडीएस एसएससी नीट के अलावा अन्य जनरल कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए ट्रेंड बन गया है। बीपीएससी में सफल छात्र शेरे अफगान ने अपने घर तेलवारी पहुंचते ही क्षेत्रवासियों ने भव्य स्वागत किया। एसडीएमओ शेर अफगान ने बताया कि जब लक्ष्य तय कर लिया तो मेरे सामने बहुत ऐसी चीजें आई जो मुझे लक्ष्य से पीछे हटाने के लिए मजबूर कर रही थी, लेकिन मैंने सभी को झेलते हुए लगातार कड़ा परिश्रम किया, जिसका परिणाम आपके सामने है। उन्होंने बताया, मेरे परिवार में आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था। मेरे 5 भाई बहन हैं, जिसमें मैं इकलौता भाई हूँ और मुझसे सभी छोटी बहन है। मेरे पिताजी हम लोगों की शिक्षा की ओर आगे करते हैं, लेकिन वर्ष 2019 में उनकी अचानक मृत्यु हो गई, जिससे मुझ पर घर का भी आर्थिक बोझ और जिम्मेदारी बढ़ गई, जिससे मेरी माँ मेरे पिता का साया बनकर खड़ी रही। मैं भी टीचिंग कराने लगा। मैं प्रारंभिक शिक्षा से 10वीं तक एमएस मेमोरियल एकेडमी कोठी से वर्ष 2015 में पास आउट किया। इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कंपटीशन से दाखिला किया, जहां से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्ष 2021 में पूरा करने के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगा, जो हमें बीपीएससी के दूसरे प्रयास में सफलता मिल गई। शेर अफगान ने अपनी सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स के साथ अपनी बहन और शिक्षकों को दिया। इनकी सफलता को लेकर क्षेत्र के चर्चित समाजसेवी सह सुप्रसिद्ध गरीबों बेसहारा के मसीहा और बिकोपुर पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि छोटन खान ने शेर अफगान की सफलता को लेकर प्रभावित हुए और उनके घर जाकर फूलों का गुलदस्ता देकर माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा, जिन परिस्थितियों से गुजरकर इन्होंने सफलता प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है, मैं इनको धन्यवाद देता हूं और इनको भविष्य में और भी बेहतर करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। शेर अफगान की सफलता को लेकर उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से ये तो कमजोर थे, पर मानसिक रूप से बहुत मजबूत थे। उन्होंने कहा, बिना कोचिंग के इन्होंने यूट्यूब टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पॉजिटिव प्रयोग कर आज सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा, जो छात्र गरीबी कोचिंग आरक्षण का रोना रोते हैं ना, उन सब के मुंह पर सफलता का ये अनोखा तमाचा है। उन्होंने कहा, छात्र वही है जो हर परिस्थितियों को झेलते हुए अपने ट्रैक से ना भटके। जानकारी के अनुसार आपको बड़ी जानकारी दें कि एसडीएमओ शेर अफगान के पिता स्वर्गीय शेर अली खान नक्सलियों के भी शिकार हुए। वर्ष 1979 में जब ये बीड़ी पत्ते की ठेकेदारी किया करते थे, तो नक्सली द्वारा लेवी को लेकर बुरी तरह पिटाई की गई, जिसके बाद वो बदले की भावना से दूसरा रास्ता। कहना यह है कि इन्होंने क्षेत्र को हमारे एक नई दिशा दिया है इन्होंने, और इनसे जो यहाँ के बच्चे हैं इनको इनसे सीखना चाहिए, और सीख इन्होंने ऐसी दे दिया सामने ला करके कि अब हमको नहीं लगता कि इस इलाके के नौजवान अब चपने वाले हैं। इनकी राह पे काफ़ी लोग अब चल पड़ेंगे। इन्होंने जिस हिसाब से, जैसे आईएएस बीपीएससी बहुत लोग करते हैं, लेकिन इनको करना एक अलग माने है, एक अलग तरह का इन्होंने निकाला है, क्योंकि जिस फैमिली से बिलोंग करते थे, जब ये जितना पिछड़े क्षेत्र से बिलोंग करते थे, घर की सलाहियत भी वैसी नहीं थी, वैसे माहौल में भी आकर के इनको बीपीएससी निकालना एक बहुत बड़ा इन्होंने इलाके को चैलेंज दिया है, और ख़ास करके जो यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी एक चैलेंज इन्होंने दे दिया। जैसे इन्होंने भी हम कहा कि यूट्यूब और टेलीग्राम को हम लोग जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो उसके से बिगाड़ सकते हैं या चाहे अगर बनना तो बन भी सकते हैं। तो इसको हम लोग को, मैं भी यही इस क्षेत्र के बच्चों को कहना चाहूँगा कि आज के डेट में कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ मोबाइल नहीं है। जो कोचिंग का रोना रोते हैं लोग, या स्कूल का रोना रोते हैं, या संसाधन का रोना रोते हैं, या आरक्षण का रोना रोते हैं, वो इनसे सीखें और इनको देखें कि वो कैसे इन्होंने निकाला। और इनका जैसे इनका स्टेटमेंट आया कि हमने यूट्यूब से काफ़ी सहायता लिया, टेलीग्राम से सहायता लिया, तो यहाँ के भी बच्चों को वैसे ही चाहिए कि वो यूट्यूब में गलत चीज़ देख करके जो वक्त अपना बर्बाद करते रहते हैं, उस चीज़ से बचें और बच करके इस चीज़ को इन पर, इनके रास्ते पर चलने का कोशिश करें। अब मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अब हमारा क्षेत्र रुकने वाला नहीं है, अब आगे बहुत बढ़ेगा ही। और इससे पहले भी नीट निकाली हमारे कोठी के अफसर साहब मुर्तजा, उनको भी बहुत बच्चों ने बहुत स्वागत अच्छा किया, इनका भी स्वागत हुआ, और भी होना चाहिए। और जितना इस गांव के लोग, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सिर्फ किसी एक के बच्चा है, ये पूरे इलाके का अपना बेटा लोगों ने इनको माना,
अपमान करके ये दिखाया कि जो भी बच्चा हम लोग के यहाँ इस टाइप से करके आएगा, हम लोग उसका भी स्वागत इसी टाइप से करेंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि अगला नंबर किसका है वो जल्दी बताएं, हम लोग उनके भी स्वागत की तैयारी करें कि अगले वर्ष फिर हम लोग किसी एक का एक नहीं अगर 8 से 10 की तैयारी करें। अब धीरे धीरे कारवां बढ़ेगा। अब नक्सल क्षेत्र हमारा रहा नहीं, कहने को थी कि बहुत पहले इनके फादर पर भी अटैक हुआ था तो उनको भी बहुत डिस्टर्ब किया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी थी और हार ना मान करके बच्चों का बढ़िया से लालन पोषण उन्होंने किया। कमाते खाते भर में बहुत कमाने खाने में तेज़ आदमी थे वो, लेकिन समय से पहले उनकी मृत्यु हुई। इसके लिए हम सभी लोग को काफ़ी दुख है कि बच्चे पर अगर उनका साया रहता तो शायद ये आज हम लोग के सामने BPSC ना करके IAS बन करके बैठे रहते। अब मेरा इनको ये है कि मेरी उम्मीद है पूरी कि ये फिर से एक एक अटैम्प और देंगे, एक दो अटैम्प और हमको लगता है कि 2-4 साल 2 साल के अंदर हम लोगों को एक और खुशी का माला हम लोग इनको पहनाएंगे कि जो IAS के रूप में हम लोग इनको देखें या SDM। हम लोग इनके यही कामना करते हैं, यही मेरी दुआ है कि इसी टाइप से आप इलाके के नाम को रोशन किया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका कि आपने एक नई राह लोगों को दिखाया। काफ़ी कड़ी मेहनत किया, ना रहने का सही से घर था और ना कोई बिजनेस था, फिर भी आपने कैसे घर का पालन पोषण किया और कैसे आपने पढ़ाई मेंटेन किया, ये अपने आप में जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनका बनना और लोग का BPSC करना, ये दोनों में बहुत अंतर, आसमान ज़मीन का फर्क है। इसलिए इनका वजह बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता और मेरे सारे शिक्षकगण और सभी को मेरा श्रेय जाता है। और सफलता में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन आपको टिके रहना है, डटे रहना है और आप मेहनत करें, आगे बढ़ें, बड़े लक्ष्य निर्धारित करें और उस पर चलें। अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीफ है, खुद पे विश्वास है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जी, मेरा मैट्रिकुलेशन यही MS मेमोरियल एकेडमी से हुआ। उसके बाद फिर मैंने 12th और ग्रेजुएशन मैंने अलीगढ़ से किया। मेरा ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हुआ। उसके बाद मैंने UPSC की तैयारी करी और उसके बाद फिर साथ ही साथ BPSC की भी तैयारी चल रही थी, है ना। तो ये मेरा 68वीं में दूसरे प्रयास में मेरा 87th रैंक हासिल हुई। तो उस टाइम पे हालांकि थोड़ा कुछ समय के लिए एक बड़ी परेशानी आई, हालांकि उस टाइम पे ऐसा भी लगा कि नहीं पता नहीं ये मैंने जो डिसाइड किया, निर्णय लिया है इस फील्ड में जाने का, पता नहीं ये सही साबित होगा या नहीं। फिर भी मुझे लगा था कि नहीं, अब मैंने ठान लिया है तो मुझे करना है। अब कोई भी रास्ता अलग अलग हो सकते हैं, कई रास्ते होते हैं, तो अब मुझे यह मतलब रास्ता निकल ही जाता है अगर आप ठान लेते हैं किसी चीज़ के लिए। क्या कौन आपको गाइडलाइन? तो एक्चुअल में मैंने यूट्यूब वगैरह का ही सहारा रहा, यूट्यूब पे भी देखता था, कई सारे लोग ऑफिसर्स बने, BPSC क्रैक किया, UPSC क्रैक किया। लेकिन हालांकि मुझे जहाँ तक याद है कि इस सबसे पहले मैं जो पहला इंसान जो एक IPS थे नूरुल हसन साहब, वो हमारे हॉस्टल में आए, हमारे लाइब्रेरी में आए, हम लोगों से मिले, तो उनका भी एक काफ़ी बड़ा योगदान रहा इन्फ्लुएंस करने में। बच्चों को तैयारी करने में काफ़ी कठिनाई होती है, ये माहौल में रह कर के कैसे आप विचार किया कि वहाँ तक जाना है और पॉजिटिव एनवायरनमेंट? हाँ, देखिए, आप किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करें, अगर आपके अंदर एक लालसा है, किसी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, शिद्दत है किसी चीज़ को पाने की, तो आप एक उसके लिए आप रास्ता निकालते हैं, उसके लिए आप मेहनत करते हैं, उसके लिए काफ़ी सारे गाइडेंसेस अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे हैं, टेलीग्राम्स हैं, और उसके अलावा आपके जान पहचान में आपके जो भी लोग हैं उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनसे चीज़ें जानकारी ले सकते हैं। और क्या पद आपको मिला है? जी, मुझे ADMO असिस्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर का पद मिला है। क्या आपको क्षेत्र के छात्रों को संदेश देंगे? मेरा इस क्षेत्र के सभी युवाओं को, छात्र छात्राओं को मेरा यही संदेश है कि वो पढ़ाई को सबसे पहला अपना प्रायोरिटी बनाए, क्योंकि पढ़ाई के जरिए वो बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो मेहनत करें, मेहनत से पीछे नहीं हटे, और जो भी जहाँ भी किसी भी मतलब
वक्त कहीं भी बर्बाद ना करें, जैसे सोशल मीडिया वगैरह है, ऐसे कई सारे आ चुके, मतलब वक्त बर्बाद करने के बहुत सारे साधन हैं, तो वो उससे अपने डिस्ट्रैक्शन से बचें, सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से बचें, और वो वही यूट्यूब का, टेलीग्राम का वो अगर सही उपयोग करें, जैसे कि हमारे मुखिया जी ने कहा कि अगर यूट्यूब टेलीग्राम वगैरह का अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो वो या उनके लिए एक सोना भी साबित हो सकता है।